हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, यानी आपके पर्सन जो हैं उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। यह रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो को कितने भी समय बाद क्यों ना देख रहे हों। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं, सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके व्यूअर्स, और ध्यान रखें इस बात का कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूं। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल देता है, उसका विश्वास ना करें। वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती। ओके, आइए चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओके, दिस कार्ड वाज नाइन ऑफ कप्स। ओके, थ्री ऑफ कप्स। ओके, कप्स, चलिए एक और कार्ड लेते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, इंटरेस्टिंग। आई होप विजिबल हैं सभी कार्ड्स आपको प्रॉपरली। या तो व्यूअर्स, उनके दिल में क्या है आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि They are scared of you somewhere. ये आपसे डर रहे हैं, आपके गुस्से से डर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया है गलत, कोई चीटिंग की है, और ये हमेशा से जानते भी थे कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं, या यू नो झूठ नहीं बोलते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते हैं आप व्यूअर्स, और आप सीधी बात पसंद करते हैं। लाइक कोई घुमा फिरा के बात करे वो आपको पसंद नहीं है, मैनिपुलेट करे वो आपको पसंद नहीं। आप कितना भी कड़वा सच हो उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अब गुस्से में हैं काफ़ी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है उनके दिल में ये डर है आपके लिए, या डर महसूस कर रहे हैं आपको फेस करने में, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ऐसा देख पा रहे हैं कि आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, यानी बहुत ही यू नो ब्रूटली ऑनेस्ट हो। आपको सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहिए, आप सिर्फ जस्टिस चाहते हो, सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, वल्नरेबल और वीक अपने आप को नहीं दिखा रहे, और ना ही इतना वीक और वल्नरेबल फील कर रहे हो। तो यहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी यू नो मैं कहूँ कि पावरफुल पोजिशन में लग रहे हो, जैसे कि आपको बस डिसीजन लेना है आर या पार। ओके, आप बस सच जानना चाहते हो, या चाहते हो कि ये आपको क्लैरिफिकेशन दें, जस्टिफिकेशन दें, और आपके पर्सन भी जानते हैं कि उन्हें देनी है आपको क्लैरिफिकेशन, उन्हें आपसे आगे बात तो करनी ही है, लेकिन वो डर रहे हैं आपके गुस्से से, आपकी नाराज़गी से, कि आप सुन के पता नहीं क्या डिसीजन लो, वो जो कहें, वो जो एक्सप्रेस करें, अपनी गलती एक्सेप्ट करें या और भी कुछ रिवील करें, तो उस पर आप कैसा रिएक्ट करोगे। तो वो आपके रिएक्शन से बहुत डर रहे हैं कि आप गुस्से में हो तो आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हो, कोई ऐसा एक्शन ले सकते हो जो आपके पर्सन चाहते नहीं हैं। तो वो आपके गुस्से से, आपकी नाराज़गी से डर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप यूजुअली भी झूठ नहीं बोलते हो, ना ही उन लोगों का साथ देते हो जो झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को भी ये बात ऑलरेडी पता है, लेकिन स्टिल अगर उन्होंने आपको झूठ बोला है, चीट किया या मैनिपुलेट किया है, तो वो जानते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है अगर वो आपसे यू नो ये सब आके बोलेंगे और फेस टू फेस और ये सब कुछ क्लियर करेंगे।
तो एक वॉल्केनिक इरप्शन होगा, एक ज्वालामुखी फटेगा और वो उसको फेस नहीं करना चाहते, इसीलिए डर रहे हैं। और यू नो आप कहीं दिखेंगे भी तो अवॉइड करेंगे, आपका कॉल आएगा तो अवॉइड करेंगे, आपका मैसेज आएगा तो इग्नोर करेंगे, तो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। यहां पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि उनके दिल में व्यूअर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके रिस्पेक्ट नहीं करते या आप उनके वैल्यू नहीं रखते, आप उनके लिए लेकिन एक ट्रॉफी की तरह हो गए हैं। जैसे इमोशनल अटैचमेंट तो कम, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट, एक विक्ट्री वाली वाइब आती है आपसे, यानी कि आप इतने परफेक्ट लगते हैं या आपकी इमेज इतनी परफेक्ट है या आपका लाइफस्टाइल या आपको अटेंशन इतना मिलता है, रिस्पेक्ट ऑलरेडी इतना मिलता है, उस वजह से आपके पर्सन को ऐसा दिखता है जैसे आप एक ट्रॉफी हैं, जैसे आप एक विक्ट्री हैं, बस वो आपको प्राप्त करना चाहें, अपने पास रखना चाहें, सेटिस्फाइड फील करना चाहें, और सबको बताना भी चाहें कि देखो मेरे पास ये पर्सन है, देखो ये कितने परफेक्ट हैं, कितने अच्छे हैं, सब इन्हें चाहते हैं, ये मुझे चाहते हैं, ये मेरी लाइफ में है, ये मेरे पार्टनर हैं, ये मेरे लिए यू नो फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसी ट्रॉफी हो जिसको ये हासिल करके सबको बताना चाहते हैं, यू नो अपनी वाहवाही करना चाहते हैं एज अ ट्रॉफी आपको दिखा के। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू तो बहुत है इनकी नज़रों में, इनके दिल में आपकी इम्पोर्टेंस तो बहुत है, लेकिन एक प्रीशियस डायमंड की तरह, एक ट्रेजर की तरह, एक खजाने की तरह जो बहुत वैल्यूएबल है, जो सबको चाहिए, ओके, बट वो इनको मिला है, इतनी वैल्यू है। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत अनकंडीशनल लव है आपके लिए या यू नो बहुत सीरियस और जेन्युइनली आप लोगों के साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, यू नो आपके साथ फ्यूचर के बारे में बहुत जेन्युइन सीरियस होकर सोच रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली, ऐसा नहीं दिख रहा है। यस, आपकी वैल्यू ज़्यादा समझ रहे हैं, वैल्यू में आपके कोई कमी नहीं समझ रहे, वो आपकी रिस्पेक्ट, वैल्यू, इम्पोर्टेंस बहुत समझ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए आपकी आपकी छवि, आपकी इमेज और आपकी जो समाज में, सर्कल में जो पॉपुलैरिटी है, जितने भी आप नोन हो, पॉपुलर हो, जितने रिस्पेक्टेबल हो, वो चीज़ उन्हें पसंद है, वो उस चीज़ को अपने साथ अटैच करना चाहते हैं, ओके? उस जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है, वो कितना फेमस होता है और कितना सब लोग उसे जानते हैं, पॉपुलर होता है, सब रिस्पेक्ट करते हैं, ओके? वो डिपेंड करता है करते हैं नहीं करते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें अटैच होती हैं। तो जब वो सेलिब्रिटी अगर किसी कॉमन पर्सन को, किसी यू नो किसी नॉन सेलेब को, किसी ऐसे पर्सन को डेट करे, तो लोग सोचते हैं अरे वाह, बहुत ही अच्छा हुआ ये पर्सन, बताओ इतना अच्छा है, इतना यू नो लाइफ में इतना अच्छा कर रहा है और ये इन्होंने इनको चूज़ किया है, ये इनके पार्टनर हैं, वाह। तो ऐसा ही है कि वो आपको एक ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं, एक 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 इमेज है आपकी, एक रेपुटेशन है आपकी, वो उस रेपुटेशन, उस इमेज को अपने साथ अटैच करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर इमोशनल फीलिंग्स और यू नो प्यार थोड़ा कम नज़र आ रहा है। इट्स नॉट दैट, अब ये नहीं कहूँगी कनेक्टिविटी नहीं है आपके लिए, येस दे फील समथिंग बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली लव, ओके? मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मुझे लगता है आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं। तो कोई अगर सेलिब्रेशन आप लोगों के बर्थडे से आप लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन या आपके पर्सन का जन्मदिन सेलिब्रेशन या यू नो आप में से किसी के फ्रेंड्स का, कॉमन फ्रेंड्स है अगर, या कोई और सेलिब्रेशन, कोई सक्सेस पार्टी किसी चीज़ की या किसी का कुछ और यू नो कोई सेरेमनी, कोई और फंक्शन है, तो मुझे लगता है कि ये आपके साथ कुछ पार्टी करना चाहते हैं, आपके साथ फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं, या अगर इनका जन्मदिन है तो ये आपको बुलाना चाहते हैं या बुलाना चाहते थे, अगर आपका जन्मदिन है तो ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे या करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इनके फ्रेंड्स को भी जानो, यानी कि इनके फ्रेंड्स भी आपको जाने, इनके इनके सर्कल में, आपके पर्सन का जो सर्कल है उसमें भी लोग आपको जाने पहचाने कि आप इनके पार्टनर हो या इनके लवर हो। तो वो मैंने कहा ना, आपको फंक्शन में बहुत सारे लोग होंगे तो वो दिखाना चाहते हैं, पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो दिखाना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये दोनों तरह से यही बात है कि दे वॉन्ट टू इन्जॉय विद यू, यहाँ पर सीरियसनेस नहीं है, आपके साथ इन्जॉय करना चाहते हैं और सबको बताना चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में, यानी कि
ये रिलेशनशिप ऐसा है जैसे जैसे अगर कोई खोखली लकड़ी, जैसे ऊपर ऊपर से तो दिख रहा है कि है कुछ लेकिन अंदर से खोखली है, ऐसा कुछ दीवार होती है खोखली, ऊपर से लगती है बड़ी चमकदार दीवार है, लेकिन अगर एक 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 हैमर मारने से ही छेद हो जाए उसमें बड़ा सा, इसका मतलब अंदर से खोखली है। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप आगे पेंटिंग पॉलिश और मेकअप करके अच्छा कर रखा है कि ये मेरे पर्सन हैं और ये ये मुझे प्यार करते हैं और हम लोग रिलेशन में हैं या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी शो ऑफ करना, लेकिन अंदर से देखा जाए तो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है इस कनेक्शन का। बुनियाद जो है इस रिश्ते की, हो सकता है वो झूठ पर बनी है, बुनियाद जो है वो इस रिश्ते की वो कमज़ोर है। ऊपर ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग और पॉलिश मेकअप कर दिया है, लेकिन जो फाउंडेशन है, जो बेस है इस रिश्ते का, वो वीक है। अगर आप एक बिल्डिंग बनाएंगे और बिल्डिंग की जो नींव रखेंगे, अगर वो नींव कमजोर है तो बिल्डिंग कितने दिन टिकेगी? तो ये समझिए, यहाँ पर इनके दिल में आपके लिए जो भी कुछ है वो बहुत ज्यादा इमेंस लव नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन ये जानते हैं कि उनके अलावा और भी लोग हैं जो कतार में हैं, यानी कि लाइन में हैं, वो भी आपको ट्राई करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी इम्प्रेस करने की, कि और भी लोग हैं जो आपको इम्प्रेस करने का ट्राई करते हैं, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने लुक्स से, अपने अबंडेंस से, या किसी भी चीज़ से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आपको इम्प्रेस करते हैं अपने टैलेंट से, किसी भी बात से। तो वो देख रहे हैं कि आपके पर्सन ही नहीं है सिर्फ, और भी लोग हैं व्यूवर्स जो आपको पाना चाहते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके पर्सन देख सकते हैं कि कंपटीशन है यहाँ पर। अगर आपके पर्सन दूर होते हैं तो और भी कोई है जो आपको इम्प्रेस करेगा, प्रपोज करेगा, आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, तो ऐसा वो देख पा रहे हैं कि बहुत कॉम्पिटिशन है। और भी लोग आपको प्रपोज करते रहते हैं, और भी लोग आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रपोज करते हैं, रिश्ता आता है, तो वो जानते हैं कि और भी लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए वो और ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि अरे आप तो ऐसे इंसान हो जो जो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सब पाना चाहते हैं, तो फिर तो ये आपको पाके ही रहेंगे, आप इनके ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी आपका जो मैं कहूँ कि आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज जो है उसके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उस मूवी में जो करीना कपूर जी होती हैं, पहले वो किसी और से शादी करने वाली होती हैं, और जब वो उससे शादी करने वाली होती हैं तो उनको जो आमिर खान जी होते हैं वो यही एडवाइस कर रहे हैं मूवी के अंदर कि उसको तुमसे कोई लगाव नहीं है, डॉक्टर बनने वाली हो, उसकी इमेज के लिए अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको तुमसे कोई लगाव नहीं है, दिस इज़ द सिचुएशन। इमेज के लिए अच्छा है, ये बनने वाली हो, वो हो, ये हो, उनके इमेज के लिए अच्छा है, उनको तुमसे कोई लगाव नहीं है। तो वो वाला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि रिलेटेबल रहेगा। आप उस एग्जाम्पल को समझिए और समझ जाइए कि क्या कह रही हूँ, कि किस इमेज से प्यार है और आप में इंटरेस्ट कम है। तो ये है, चलिए और देखते हैं कि उनके दिल में और क्या है व्यूअर्स आपके लिए। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। व्यूअर्स, इनको तो ये भी डर लगा रहता है कि आपको कोई और छीन कर ले जाएगा इनसे, कोई और आपको इनसे दूर ले जाएगा। ये इस बात से भी डरते हैं। वही मैंने कहा, फ्लर्ट करना है आपके साथ, एंजॉय करना है, हैंग आउट करना है, पार्टी करना है आपके साथ, बट नथिंग सीरियस, क्योंकि इन सब चीज़ों में ये शो ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, आई विल नॉट कंसिडर देम। हो सकता है व्यूवर्स आप गुड लुकिंग बहुत हैं, आप गुड लुकिंग हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिखते हैं, तो वो भी आपके पर्सन शायद शो ऑफ करना चाहते हैं कि देखो इतना अट्रैक्टिव पर्सन मेरा पार्टनर है, ऐसा कुछ। ओके, व्हाट इज दिस? ओके, एक और कार्ड लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन।
व्यूअर्स देखिए, इनको अभी भी कहीं ना कहीं दिल में ये डर तो है कि कोई और आपको इनसे छीन कर ले जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको क्रश है आप पर, तो उनको ये लगता है कि आपको कोई छीन कर ले जाएगा। साथ ही साथ ये थ्री ऑफ कप्स जो मैंने बताया था, सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट, एन्जॉय करना चाहते हैं, वो कार्ड क्लेरिफाई हुआ है प्लेफुलनेस से। प्लेफुलनेस यानी कि सिर्फ एन्जॉय करना, मस्त रहना, और यू नो ये ऐसी वाइब दे रहा है जैसे आपके साथ रोमांटिक भी होना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट भी करना चाहते हैं, इन्जॉय भी करना चाहते हैं, यू नो, और बट नथिंग सीरियस, इट्स जस्ट द प्योर इन्जॉयमेंट एंड फ्लर्ट, इन्जॉयमेंट, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे ज़्यादा यहाँ पे। तो ये इनके दिल में है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जब वो अपने आप को आपके साथ अटैच करते हैं, आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हैं, आपकी इमेज के साथ अपनी इमेज जोड़ते हैं, तो उनके दिमाग की जो कल्पना होती है, जिस इंटेंशन से, जिस इरादे से, जिस इमेजिनेशन से वो ये कर रहे होते हैं, वो ऐसी होती है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं उनको भी रिस्पेक्ट मिल रहा है आपकी वजह से, उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है, लोग उनका भी मान सम्मान कर रहे हैं, यू नो उनको भी लोग कुछ कुछ समझ रहे हैं, कुछ वैल्यू दे रहे हैं आपकी वजह से। तो वो आपकी वजह से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में जो कि वो पहले नहीं कर रहे थे। पहले उन्हें इतनी अटेंशन नहीं मिल रही थी, पहले उन्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, बट आपके साथ जब उनका नाम जुड़ जाता है तो ज़्यादा लोग इनसे बातें करते हैं, ज़्यादा लोग इनको अटेंशन वगैरह देते हैं, या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है आप लोग इन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, ओके, फाइनेंशियली आपने इनको कभी सपोर्ट किया हो, ये हो सकता है, तो किसी तरीके का सपोर्ट इन्हें आपसे मिलता है, किसी तरीके की हेल्प या किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन आपसे मिलता है, और ये उसे एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी कल्पना भी करते हैं, ओके, तो ये है इनके दिल में। साथ ही साथ व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये देख पा रहे हैं that you are very serious and very mature, but they are not. कहीं ना कहीं इन्हें अब लगता है कि आप तो काफ़ी सीरियस हैं, आप काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, मेच्योरली बातें कर रहे हैं, लेकिन ये इतने मेच्योर नहीं हुए हैं। इन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, सबको दिखाना कि मेरे पास देखो ये पर्सन कितना फेमस है और ये मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये यू नो आपकी वजह से थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी बटोरना, ये सब क्या है? ये इमेच्योरिटी है, ओके, ये मेच्योरिटी है, ये कोई सीरियस बात नहीं है, इसमें मेच्योरिटी या सेंसिबिलिटी नहीं झलकती है। तो वो देख रहे हैं कि आप काफ़ी मेच्योरली इन चीज़ों को ले रहे हो, काफ़ी सीरियसली इस कनेक्शन को भी लेते हो, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं, उनको एक डिफरेंस समझ में आ रहा है। गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, चलिए यहाँ से क्लेरिफाई करते हैं। जो मैं बात बोल रही थी वही बात हो गई व्यूअर्स। यहाँ पे कार्ड आया है अनरिक्वेस्टेड लव। There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. यानी कि इस रिश्ते में enough attraction, enough chemistry है नहीं जिससे रिश्ता चल सके, आगे बढ़ सके, उतनी chemistry, उतना attraction, उतना bond strong नहीं है। तो ये मैं बात आपको इतनी देर से यही बोल रही थी कि रिश्ता है ये किन किन चीज़ों की वजह से चल रहा है मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ऑलरेडी कहा मुझे इतना अनकंडीशनल लव, इतनी केमिस्ट्री, इतना प्यार नहीं दिख रहा है, और वही ये बात कार्ड में निकल कर आ चुकी है व्यूवर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कि स्पिरिट्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको यहाँ पे। ओके, कार्ड अनफोल्ड सिर्फ ये हुआ है, इसमें लिखा है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है पहली बात यहाँ पर यह कहा जा रहा है आपसे कि गिव एंड टेक जो है उसको आप बैलेंस रखिए,
ऐसा मत कीजिएगा कि आप इनके लिए कुछ ज्यादा करते जा रहे हैं, ज्यादा अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा अपने इमोशन को इन्वेस्ट कर रहे हैं इनकी तरफ, और ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बैलेंस इक्वल रखिएगा, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं अपने इमोशंस को, अपने टाइम को, एनर्जी को, उतना ही ये भी करें। ओके, आप ओवर मत करिएगा। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। इफ़ यू वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, तो आप ओवर मत कीजिएगा। आप जितना आपको करना चाहिए उतना ही कीजिए एफर्ट्स और एक्शन, बाकी उन्हें करने दीजिए, उन्हें रियलाइज होने दीजिए। अगर रियलाइज नहीं होता है तो कम से कम पिक्चर तो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ओके, फ्यूचर में क्या पिक्चर बन रही है, क्या यू नो आउटकम निकल रहा है, वो क्लियर तो हो जाएगा। इसीलिए ओवर मत कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट मत कीजिए। आप उनके हिस्से के एफर्ट्स उन्हें ही करने दीजिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यू नो रियलाइज होने दीजिए, बट नहीं होता है तो वो आपके लिए एक सिग्नल ही है। ओके, कि यहाँ पर बात नहीं बन रही। ओके, मिरर गाइडेंस, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। व्यूअर्स देखिए, अगर ये इनका कुछ किसी तरीके का बिहेवियर भी है, बिहेवियर, ओ माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद माय टंग, अगर इनका कुछ ऐसा बिहेवियर भी है जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, या आपको थोड़ा डाउट होता है कि अगर ये प्यार करते होते तो ऐसा बिहेव ना करते, अगर ये प्यार करते होते, ये प्यार करती होती तो ऐसे ना बोलती, इस तरह से ना कहती, तो आप इनके बिहेवियर को देखकर अगर कुछ जज कर भी रहे हैं, इनके बिहेवियर को देख के अगर कुछ कंक्लूजन निकाल भी रहे हैं, तो बहुत जल्दी निष्कर्ष पर मत आइएगा, बहुत जल्दी कंक्लूजन पर मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको थोड़ा यू नो रियलाइज होने का, बदलने का, या सुधरने का, या कुछ यू नो इम्प्रूव होने का मौका दीजिए। ओके, गिव देम सम टाइम टू चेंज, टू इम्प्रूव। ओके, चेंज करने की तो कोई बात ही नहीं है, इम्प्रूव होने का उन्हें मौका दीजिए, रियलाइज करने दीजिए उन्हें गलती अपनी, इतना टाइम दीजिए, फिर आप डिसाइड करिए, फिर आप अपने लिए जज करिए कि आपको क्या करना है, यू नो अपना खुद का डिसीजन लीजिए। लेकिन अभी कुछ समय तक यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि अगर वो थोड़ा बहुत इमेच्योर बिहेव कर भी रहे हैं तो सिर्फ उस बिहेवियर से आप पूरा जज मत कीजिए, पूरा निष्कर्ष मत निकालिए। गिव देम सम मोर टाइम टू सी कि क्या होता है आगे, ट्रांसफॉर्म होते हैं या नहीं, इम्प्रूव होते हैं या नहीं, मेच्योरिटी आ रही है या नहीं, तब कुछ डिसाइड कीजिएगा। ओके, तो व्यूअर्स ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। ओके व्यूअर्स, ध्यान रखें इस बात का कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर आपको देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है। ओके, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ और मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं किया है, नो कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, तो ध्यान रखें इस बात का, कमेंट करके बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये रीडिंग कितने परसेंट रेजोनेट हुई है, एक्यूरेटली 100% रेजोनेट हुई है तो वो भी बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।